हाय फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस स्किल में। हम अभी ला रहे हैं फिजिक्स का VVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरी part 1 और part 2 की ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन आ चुकी है। अब ये part 3 की वीडियोस है, बिल्कुल आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से याद कीजिए ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सके। और अगर part 1 और part 2 की वीडियोज देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, पी आ घूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। यानी कि पी आ घूर्ण दिया हुआ है और द्विध्रुव हमें ई दिया है, तो विद्युत क्षेत्र में टॉर्क कितना लगेगा। तो पी और ई को हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पी क्रॉस ई। अब दिया गया फिगर है, इसमें कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, हमें ए और बी के बीच में हमको तुल्य धारिता निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इसका तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। तो इसको सिंपल, अगर सीरीज में है तो सिंपली जोड़ देते हैं और पैरेलल को वन बाय बैक करते हैं। यानी कि इसको जो फार्मूला से करने के बाद जो मेरा रिजल्ट निकलेगा वो 9 माइक्रोफराड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी। तो विद्युत परिपथ की शक्ति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पार्ट में भी हम लोग देखे हैं, V² / R इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा इनमें से कौन होगी। चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा होगी वो I-ML0T-2 पहला ऑप्शन सही होगी। लेंज का नियम का संबंध किससे है, तो लेंज का नियम ऊर्जा के संबंध से संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, तो LR परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा यानी कि cos phi, तो उसका फार्मूला होता है R/√R² + ω² L², तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्त काल कितना हो जाएगा, तो चुंबकीय सुई का जो लटक रहा है उसमें उसका आधा हो जाएगा। गोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है किससे, तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। नेक्स्ट है, नोर गेट के लिए, तो नोर गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, वो A+B² / Y1 व्यंजक है। नेक्स्ट है, 64 समरूप बूंदे जिनमें की प्रतीक धारिता 5 माइक्रोफराड है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 माइक्रोफराड। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो बीजगणितीय योग का वैल्यू 0 होता है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है, तो विद्युत वाहक बल का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ML2T-3A-, यानी कि विद्युत वाहक बल का बीमा है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा एक बोल सकते हैं तो शक्ति का मात्रक है, यानी कि पावर का एम्पियर घंटा मात्रक है। नेक्स्ट है, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, तो जी हाँ, प्रतिरोध का अगर मात्रक रहेगा वही प्रतिघात का भी होगा, यानी कि राइट आंसर ओम होगा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो बिल्कुल घटता है, बहुत बार हम लोग किए हैं, part 1 में भी ये क्वेश्चन मिला था, part 2 में भी क्वेश्चन मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त आपको करा रहे हैं, बिल्कुल इसको एकदम याद करके ही जाइए। जब किसी एमिटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो माप सीमा में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है, तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तप्त तार एमिटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान, उच्चतम, मूल, औसत मान, इसमें से क्या होगा, तो मूल औसत वर्ग धारा को वैल्यू को मापता है। नेक्स्ट है, किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राइमरी एवं सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, यानी कि उसमें लपेटा है, एक में N1 है एक में N2 है, तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी यानी कि N2 की, द्वितीयक वाला की ज़्यादा होगी प्राथमिक से, N2 > N1। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा का माप हम लोग करते हैं। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बिल्कुल याद रख लीजिए कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है, तो चुंबकीय आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक है वो जूल प्रति आवर्त काल, यानी कि T², जूल पर T². ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई अगर बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है,
अगर माइक्रोस्कोप की नली बढ़ाई जाएगी तो आवर्धन बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो एच सी बाई लैम्डा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला होता है वो एच सी बाई लैम्डा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है, यानी कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें है, एक्स रे, कैथोड रे, अल्फा रे, राइट आंसर गामा रे, गामा रे का वेधन क्षमता बहुत ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होता है, पी टाइप के अर्धचालक में छिद्र होते हैं यानी कि होल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।